शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। अम्मोनियों के साथ युद्ध होने का वर्णन। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मंशा से भेजे है? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मंशा से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढान करके और उसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने यह कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोबा और सोबा के 20,000 आरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटही के पास पांति बांधी और सोबा और रहोब के आरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे न्यारे मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इसराइली वीरों में से बहुतों को छांटकर आरामियों के सामने उनकी पांति बांधी और लोगों को अपने भाई अभिषय के हाथ सौंप दिया और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बांधी। फिर उसने कहा, यदि आरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम लोग अपने लोग और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे आरामियों से युद्ध करने को निकट गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि आरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अभिषय के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इसराइलियों से हार गए, आरामी इकट्ठे हुए और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के आरामियों को बुलवाया और वे हददेजेर के सेनापति शोवक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इसराइलियों को इकट्ठा किया और यर्दन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब आराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, परंतु आरामी इसराइलियों से भागे और दाऊद ने आरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इसराइल से हार गए हैं, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सबों ने इसराइल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए और आरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए।